राजू पारुलेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेखक हैं, ब्लॉगर हैं। राजू पारुलेकर जी, उम्मीद जताई जा रही है कि आज अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देंगे या फिर कोई प्लानिंग यहाँ पर रहेगी उनकी? अरविंद केजरीवाल और नैतिकता दोनों विरोध विरोध में शब्द यूज किए जाते हैं, क्योंकि विरोधार्थी है वो, उनके दोनों का मिलाप नहीं हो सकता। वो इस्तीफे की बात अगर करेंगे तो समझ लेना उनकी एक नई नौटंकी है। जैसे उनसे उन्होंने अनशन भी किया था, आंदोलन भी किया था, भ्रष्टाचार के विरोध बात की थी, बच्चों की कसम खा के कांग्रेस या बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे कहा था और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े बहुत शातिर आदमी है और बहुत इस बात को एक साइकोपैथ भी है खुद, और दूसरों को ये कहते हैं लेकिन खुद है। तो इनकी किसी बात को सीरियसली आप लेना नहीं चाहिए, इसका एक षड्यंत्र होगा ये बात आपको मान के चलनी चाहिए। और आपको बड़ा सावधानी से, यानी सरकार को बहुत सावधानी से इनके साथ डील करना चाहिए। इनके हाथ अभी बंधे हुए हैं, इन्होंने शुरू से यानी 2011 से लेके आज तक जितने फर्जीवाड़े किए हैं उसका उन्होंने उसको इस खूबी